हमारे आगे शतक लगाने वाले बाद में करते हैं खेद, क्योंकि हमारे खिलाड़ी शतक लगाने वाले के पजामे में कर देते हैं छेद। हाँ भाई कोहली भाई, वह भैया कैसा लग रहा है? वह 113 रन बनाने के बाद भी तुम्हारी टीम लुल हो गई, वह क्या हालचाल है भैया? अरे संजू भाई, यार भैया मजे नहीं लो, वह भाई हमको तो बहुत बुरा लग रहा है। वह बताओ, पहला तो हमने IPL 2024 का शतक बनाया, उसमें भी हमारी टीम लुल हो गई। वह भैया सब हमारे खिलाड़ियों के वजह से हुआ है। एक तो ये डुप्लेसी का बल्ला ना चलता, और ये मैक्सवेल वह भाई किसी भी काम का ना है। हमको तो ऐसा लग रहा है हमारे तो गेंदबाज भी खत्म है। वह खत्म कहानी है भैया। या माइला भाई, कोहली भाई क्या बात करती तुम? वह भैया खत्म बटम कुछ भी न होती, ये ससुरा किस्मत हमारी साथ नहीं दे रही है। ये किस्मत हमारे साथ आ जाए ना, फिर तो हम जलवा ही जलवा कर देंगे। अब देख लो, कल भी मैं जबरदस्ती खेला, 44 रन भी बनाए, लेकिन भाई किस्मत लुल हो गई। भाई जब किस्मत साथ नहीं होती है तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, समझी? अबे रहने दो डुप्लेसी भैया, काहे के लिए बकवास वाली बातें कर रहे हो? भाई किस्मत विस्मत कुछ भी ना होती भैया, जिस दिन बटलर का बल्ला चलता है मैच को एक तरफा बना देते हैं, समझी? मैं बातें कर रहे भाई किस्मत की, किस्मत का बहाना बनाने से अच्छा भाई अपनी हार मान लो। देख भाई, तुमको तो वैसे भी हारना था, इस बार राजस्थान ही फाइनल जीतेगी। वह हर साल हम लोग मेहनत करते हैं, लास्ट में आके लुल हो जाते हैं। वह इस बार बता दूंगा, इस बार मैंने झवी शुरू के मैचों में अपना बल्ला जानबूझ के ना चलाया। अब देख लो, इस मैच में जरूरत थी मेरा बल्ला चलने की। देख लो भाई, शतक पहला है, धुआंधार खेला है, और किस्मत विस्मत की कहना मत। वह बटलर चलेगा और अच्छे अच्छों का पिछवाड़ा जलेगा, और तुम लोगों को सबको लुल बनाएगा, समझी? अबे बटलर यार भाई, लुल तो तुम कहीं नहीं बनाते, वो तो मैं गेंदबाज नहीं था। अगर मैं गेंदबाजी भी सीख गया ना तो डंडे बिखेर दूंगा एक एक के। पर एक तो मैंने बल्लेबाजी करी शतक वाली, और ऊपर से हमारे ये खिलाड़ी लुल हो गए, ये हाफ दो पसली और ये अपना मैक्सवेल। भाई इनको खाने के अलावा कुछ भी ना दिखता। भाई मैक्सवेल भैया भूल गया क्या ऑस्ट्रेलिया के अपने घर की गैल? बताओ, तूने तो बिल्कुल एकदम नाक कटवा दी, एक भी मैच में तेरा बल्ला ना चल रहा। मैं तो आराम से खेल रहा था भाई कि मैक्सवेल आएगा और कुटाई कर देगा, हमारा स्कोर बढ़िया हो जाएगा, लेकिन तूने क्या करा, आया और पजामे में ही हग दिया। ससुरे वाले, तेरे कारण मुझको इन लोगों की बातें सुननी पड़ रही है, वरना किंग कोहली किसी की ना सुनता, समझी? अबे कोहली भाई, भाई ये मैक्सवेल है, ये बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है, ये राजस्थान के खिलाफ कोई बड़ा मैच नहीं था, ये मैक्सवेल सीधा फाइनल में चलेगा, समझी? जब तुम देखना, मैक्सवेल तुम्हें तमाशा दिखाएगा, फाइनल होगा तो तुम सारे लोग लुल हो जाओगे, लेकिन ये मैक्सवेल फाइनल मैचों में कभी नहीं होता फेल, समझी? अबे बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी मैक्सवेल, अबे काय के लिए भूला पड़ा है अपने घर की गैल? भैया फाइनल में ऐसे ही ना पहुंच जाते, फाइनल में जाने के लिए पहले मैच भी जीतने पड़ते हैं, कोहली भाई की तरह बल्लेबाजी करनी पड़ती है। अब एक खिलाड़ी तुम्हारी पूरी टीम को बचा के ले जा रहा है, भैया कब तक बचाएगा? वह तुम्हारा तो स्कोर भी ना बनता अगर कोहली भाई लुल हो जाते। वह ससुरी वालों, बातें करवा लो इनसे बड़ी बड़ी, लेकिन कोई बात ना है, राजस्थान के आगे तुम लोग लुल तो हो गए, बहुत बढ़िया किया तुमने। बाकी हम तो ये कह रहे भाई, मेहनत करो, बाकी टीमों को हराओ, हम लोग फाइनल में मिलेंगे, क्योंकि हमारी टीम तुम पे तगड़ी पड़ रही है।